पलामू के नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड के कुंदरी में छठ घाट तालाब भरने का कार्य किया जा रहा है, जो कि लगातार कई वर्षों से आसपास के गांव के लोग इस तालाब पर छठ का कार्य करते हैं और पूजन विधि विधान से किया जाता है। लेकिन महिलाओं की माने तो उनका कहना है कि भू माफियाओं के द्वारा छठ घाट तालाब जमीन को जबरदस्ती कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर सैकड़ों महिलाएं सुबह अर्घ देने छठ घाट तालाब पहुंच गईं। उनका कहना है कि किसी भी हाल में तालाब को भरने नहीं दिया जाएगा और अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचा रही हैं। इस कार्यक्रम में पाकी विधानसभा पूर्व प्रत्याशी भाकपा माले कॉमरेड बी एन सिंह भी पहुंचे। देखिए एक रिपोर्ट संवाददाता प्रेम कुमार के साथ। क्या कर रहे हैं आप लोग? हम कहाँ जाओ काहे लिए अच्छा हमने क्या कहा अभी दुख में दे गरीब के। कितना दिन से तालाब में काम लगा हुआ है भरने का? एक हफ्ता है। तो आप लोग उसका उतना दिन से क्या कर रहे थे? जानकारी हो सकता है। अब आप लोग क्या कहेंगे? तालाब चाहिए। इस तालाब जो भरा गया इसके बदले दूसरा तालाब मिलेगा तो क्या कहेंगे? यही तालाब चाहिए। और नहीं तालाब यही तालाब दोबारा नहीं बनेगा तो आप क्या करेंगे? ऐसा नहीं बनेगा जी। बनेगा। मरेंगे यार के छत में ही पे उसी के नाम पर। जब भरा गया है तो हमें अच्छा आप लोग सूप दौरा लेकर के आप लोग कहाँ जा रहे हैं? पर्व अभी तो पर्व का समय नहीं है। आप लोग आके क्या कर रहे हैं? किस लिए? तालाब कौन तालाब खोद रहे हैं? हाँ तालाब खोद रहे हैं कि भरा रहा है तालाब? अच्छा क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप लोग? दूसरा जगह नहीं हो सकता है? नहीं तो तालाब तो भरा गया, उससे पहले आप लोग कहाँ थे? परब करे। अच्छा कहाँ यहाँ कुंदरी? अच्छा छठ घाट कुंदरी में जा रहे हैं। तो तालाब तो भरा हुआ है। किसके द्वारा भरा जा रहा है? किसके द्वारा भरा जा रहा है? क्या आप लोग चाहते हैं? सीओ कर्मचारी जो है वो लोग जब तक सरकार का यहाँ प्रतिभा है, सरकार का चल हुआ तालाब में काम हुआ है सरकार का। जब तालाब भरा रहा था तो आप लोग कहाँ गए थे? हम क्या थे? प्रशासन क्या कहा? प्रशासन क्या कहा? प्रशासन बोले कि आप लोग कुछ नहीं बोल सकते, इनका जमीन है, तालाब भरेंगे। इनका कागज पत्र हो गया है। जितना है आप सब लोग पैसा लेकर सब पैसा खाए हैं। सब पैसा खाए हैं। एक लाख हजार 500 रुपया दिया है। सब मुखिया जी ने घूस ले लेके और लेके तालाब भरवा दिया। सरकार को है कि तालाब खाना सरकार को किस तालाब खाना लेकिन पैसा देती है।
कौन कर रहा है इसको भरने का काम? कौन किया सर? भू माफियाओं का लगातार मनोबल बढ़ा हुआ है, यहाँ ही नहीं इसी जगह का नहीं कई जगह पर जो है भू माफिया लगातार जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं। आप पिछले बार देखे होंगे कि वहाँ दुबिया खाड़ में भी यही इसी तरह का हुआ, क्या कहेंगे इसके बारे में? संस्कृत में कहावत है जिसका मतलब है महाजन जिस रास्ते से चलता है वो रास्ता बन जाता है। तो मैं देख रहा हूँ कि अभी जो जननेता है वो सब भी वो लूट के साथ खड़े हैं। अरे अभी यही पर देखिए तालाब का जब बात हम कर रहे हैं तो ठीक यहाँ से 2 किलोमीटर आगे हर सैन मोड़ है मिलामर का, जहाँ पे वहाँ भी लंबे समय से हमें तो याद है जब से मैंने होश संभाला इस तालाब के साथ उस तालाब को हम देख रहे हैं। हमें जानकारी मिली पिछले समय हम जेल से लौट आ रहे थे और हम देखा तालाब वो ख़त्म है, अच्छा तालाब हुआ गया तो लोगों ने बताया कि हमारा जो चयनित दीदी हैं शशि भूषण मेहता जी वो उस तालाब को अपने फार्म हाउस में दफन कर दिया। तो हमारा कहना है जब जनप्रतिनिधि तो हम एक बात बोल रहे थे, हम जब जेल लौटे यहाँ से तो हमने कहा कि भाई पहले राजा रानी के पेट से पैदा हुए तो भी वो ताला बनवाते आहार बनवाते बुखर बनवाते सराय बनवाते थे, अभी तो ये मतपेटी से पैदा हुआ शासक है। अब ये जो है वो जनता की भावनाओं को ख्याल करते हुए वो तालाब खुदवाते थे आहार बुखर बनवाते थे, अभी मतपेटी से निकला हुआ जो शासक है उसको मैं देख रहा हूँ कि जनता का तालाब है उस तालाब को वो अपने कब्जे में। तो इस बाबत हमारा कहना है कि जो अभी शासन में लोग लगे हैं वो सारे लोग भू माफियाओं के साथ खड़े हैं। मैं दो बात कहना चाहता हूँ, पिछले दिनों धार्मिक भावना आहत होने की बात मैं देख रहा था पांकी में एक वो तोरण द्वार के नाम पर पूरा इलाके से लोग इकट्ठा हुए और एक तनाव का माहौल बना और पांकी दंगों की आग में जुड़ गया था। क्या लगता है मतलब तालाब बन पाएगी फिर से कि या नहीं बनेगा? हमें लगता है जनता की भावना में जनता का जो आग्रह देख रहा हूँ तो सरकार को पीछे हटना ही पड़ेगा और तालाब को फिर से इसको बना के सौंपना पड़ेगा। अगर तालाब को फिर से स्टार्ट नहीं प्रारंभ नहीं किया जाता है तो उसके बाद क्या करेंगे? वैसे हम साथियों से हम बात करेंगे विधानसभा के बाद में और मेरी समझ है